स्पेशल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गणपति बाप्पा के मंदिर में आए हैं। गणपति बाप्पा की पूजा स्टार्ट होने ही वाली है, लेकिन हमने इसके लिए जो प्रसाद बनाया है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम गणपति भगवान का दर्शन कर लेंगे। आइए फ्रेंड, हम गणपति बाप्पा के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। फ्रेंड्स, अभी कुछ समय बाद आरती स्टार्ट होने वाली है, तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, गणपति के भी दर्शन अच्छे से हो गए हैं, तो फ्रेंड्स अभी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रेसिपी की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पास में दिए गए बेल आइकन को बजाना ना भूले। तो फ्रेंड्स, इस तरह बनेगा हमारा सत्यनारायण पूजे का प्रसाद। पूजे का प्रसाद बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है सूजी, पतला वाला है, आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 केले इस्तेमाल किए हैं, आप बड़े साइज का हो तो 1 ही ले। यहाँ पर लिया है इलायची पाउडर, ये तुलसी के मैंने कुछ पत्ते लिए है। तुलसी के पत्ते और बनाना इस प्रसाद में डालना जरूरी होता है। और ये लिया है मैंने घी, ये लिया है शक्कर, ये लिया है ड्राई फ्रूट्स, और ये दूध मैंने पतीले में लिया है क्योंकि हम इसको गर्म करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूध का पतीला गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। अभी हम डालेंगे कढ़ाई में घी। देखिए फ्रेंड, घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। घी की क्वांटिटी हम थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं प्रसाद में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे सूजी और इसको अच्छा सा भून लेंगे घी में। बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको कुरकुरा होने तक हिलाना है। जब तक हमारा इधर सूजी भून रहा है, तब तक हम केले काट लेते हैं फटाफट। केले को छील लेना है और बारीक काटना है। केले और जो तुलसी के पत्ते हमने यहाँ पर लिए हैं, उनको अच्छे से बारीक काट कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं इसके। और बीच बीच में सूजी को भी हिलाना है ताकि ये जले ना। केला अगर हम पहले काट कर रखते हैं तो ये काला हो जाता है, इसलिए हम बनाते बनाते ही इसको काटते हैं। मैं काट लूंगी ताकि इसका अरोमा उसमें उतर आए। देखिए फ्रेंड, हमारा सूजी हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इसमें गरम दूध डालेंगे जो हमने गरम किया है साइड में। इसको कंटिन्यूअस हिलाना है ताकि ये जले ना। और इसे मैं डाल रही हूँ दूध, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालना है बस। और इसमें अभी हम चीनी डालेंगे, इसको थोड़ा सा हिला देंगे, मिक्स कर लेना है। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये खिला खिला नहीं बनेगा। मैं थोड़ा और डालूंगी, ये सूखा सूखा लग रहा है। देखिए सूजी ने पूरा दूध हमारा पी लिया है। और ये भी थोड़ा खिला खिला ही हो गया। ज्यादा दूध डालते हैं तो ये खीर जैसा बन जाता है, तो ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अभी मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी भी पानी छोड़ेगा, उसमें आधा बचा हमारा सूजी पक जाएगा। चीनी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसका मीठापन सारी तरफ पहुंचे। को हिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। चीनी का जो पानी हो जाएगा उसमें ही
हमारा आधा कच्चा जो सूजी रह गया है वो पक जाएगा। चीनी थोड़ी थोड़ी मुझे दिख रही है, इस स्टेज पर हम डालेंगे कटा हुआ हमारा केला, जो केले हमने काटे थे वो, और कटा हुआ तुलसी का पत्ता, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में पसंद नहीं आता सूजी के हलवे में, इसलिए मैंने उसमें किशमिश नहीं डाला है। केले को अच्छे से पका लेना है। तुलसी के हरे पत्ते ये प्रसाद में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड, अभी हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स, आप अपने मनपसंद से कुछ भी ले सकते हैं, और डालेंगे इलायची पाउडर। ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इलायची पाउडर हमने सबसे लास्ट में इसलिए डाली है ताकि उसका स्मेल इसमें बना रहे, ज़्यादा गर्म होने के कारण वो स्मेल नहीं आ पाता। फ्रेंड्स, हमारा प्रसाद बिल्कुल रेडी है, मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। अभी हम इसको एक केले के पत्ते पर सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना प्रसाद केले के पत्ते पर सर्व किया है, आप देख सकते हैं ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, और इसको केले के पत्ते पर ही सर्व करते हैं। जब हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो उनको उसको केले के पत्ते पर ही सर्व करना चाहिए, और ये जो केले का पत्ता रहता है इसका अरोमा इसमें बहुत अच्छा आता है, इस पर हम जो भी खाना खाते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूले, और मेरी ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।